अकबर एंड बीरबल। शहंशाह सलामत रहे। जहां पना, यूनान के सुल्तानत ने आपके लिए यह खत भेजा है। बादशाह सलामत, हमें इस बात की जानकारी है कि आपके दरबार में बहुत से काबिल लोग हैं, लेकिन हमने जिस इंसान के बारे में सुना है वो है बीरबल, खासकर उनकी सूझबूझ और हाजिर जवाबी। मैं आपका एहसान मंद रहूंगा अगर आप उन्हें शाही दौरे में यूनान भेजकर हमें भी उनसे रूबरू होने का मौका दें। बीरबल, तुम्हें मेहमान बनकर जाना चाहिए। लेकिन खबरदार, ये सिर्फ एक दावत नहीं है। यूनान के सुल्तान बहुत चालाक हैं। उन्हें लोगों को नीचा दिखाने और बेइज्जत करने में बहुत मजा आता है। मुझे इस बात की फिक्र रहेगी कि सबके सामने कहीं मेरे दरबार के सबसे काबिल आदमी की नाक न कट जाए। फिक्र करने की जरूरत नहीं है जापना, मैं सुल्तान को मौका ही नहीं दूंगा कि वो मुझे नीचा दिखा सके। मैं किसी भी हाल में आपकी शान पर आंच नहीं आने दूंगा। एक से दिखाई देने वाले सुल्तान? हाँ, यूनान के सुल्तान तुम्हारी अक्ल परखना चाहते हैं। तुम्हें बताना है कि इनमें से असली सुल्तान कौन है। जहापना, आप ही असली सुल्तान हैं। हाँ, ये सच है। हम मुतासर हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान। लेकिन तुमने पता कैसे लगाया? बात यह है सुल्तान, हूबहू आप जैसे दिखने वाले सुल्तान आप जैसे बनने की कोशिश कर रहे थे। लगातार आपको देखते हुए आपकी नकल कर रहे थे। आपके हम शक्ल सिर्फ एक दिन के ये सुल्तान ताजो तख्त पर बेचैन बैठे हुए थे, जबकि आप बहुत सुकून से और शान से बैठे थे। इनमें असली सुल्तान की शान कहां से आती? बस मैंने बड़ी आसानी से पहचान लिया आपको। बीरबल, तुम वाकई बेशकीमती हीरे हो। लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि दिल्ली की सड़कों में कितने मोड़ हैं? सिर्फ दो मोड़ है हुजूर, बायां
और दाया मोड़। वाह, क्या हाजिर जवाबी है। फिर से दिल बाग बाग हो गया। बीरबल, बता सकते हो कि इंसान ज्यादा से ज्यादा खुश कैसे रह सकता है? अपनी खुशी औरों के साथ बांटकर, जरूरतमंदों की मदद करके। बहुत खूब। अच्छा बताओ, क्या चीज है जो खत्म नहीं होती? वो नाम जो दूसरों के लिए अच्छे काम करके कमाया गया हो। तुम हमेशा किसके कर्जदार रहते हो? अपने माँ बाप के सुल्तान। वो तकलीफें और मुसीबतें झेलकर आपको प्यार से बड़ा करते हैं। वो हमेशा आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। उनका दिया हुआ हम कभी नहीं चुका सकते। बहुत खूब, क्या जवाब दिया है। अकलमान है, इल्म का समंदर है ये तो। बीरबल, आज तक हमने तुम्हारी होशियारी और अकलमंदी की सिर्फ बातें ही सुनी थी, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से भी देख लिया। हम हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर का शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने हमारी इल्तिजा कबूल करके तुम्हें यहाँ भेजा। सुल्ताने यूनान, मेरे शहंशाह जब मुझसे ऊब जाते हैं और मुझसे छुट्टी पाना चाहते हैं तो वो मुझे दूर भेज देते हैं।